अब जिनका सुपड़ा बार बार साफ होते रहता है तो वो सुपड़ा साफ होने के महारथी बन चुके हैं। अब वो दूसरे का सुपड़ा देखने की जगह अपना सुपड़ा देखें। तेजस्वी बाबू को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि क्यों उनको इतने मिलन के बाद भी बड़े बड़े झटके लगे हैं। हमें लगता है कि वो 400 प्लस जो मांगा है वो 418 प्लस भी हो सकता है, ऑल टाइम रिकॉर्ड हो सकता है, कि मानसिक संतुलन घमंडिया गठबंधन का खो चुका है। और जब कोई एकदम रसातल में जाए लागेला तो ऐसा ही कुल भाषा निकलेला। पवन बाबू से बोला, अभी समझाओ तनी, हम उनसे बात करब। उनका के तो हमनी के आसनसोल से टिकट दिल्ली जा, ओजिंगा से खुदे पवन नहीं कहले, बाकी भविष्य में उनका ध्यान रखल जी। लेकिन तो अपने परिवार के ही मंगलसूत्र की बात करते रहे हो, यहाँ पूरे देश के मंगलसूत्र को छीनने की बात किए हो। आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं और देश का भाव बहुत अच्छा है। इतनी गर्मी के बावजूद भी लोगों का उत्साह बहुत अच्छा है और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में भी इस बार भी हम लोग स्वीप करेंगे। आज मैं अररिया जा रहा हूँ, आज 11:30 बजे से अररिया में रहब, फिर कटिहार में रहब, फिर भागलपुर में रहब और फिर शाम के वापस दिल्ली जाइब। तो बिहार के लोगन के और बिहार के धरती के प्रणाम करके आज पहला दिन बिहार में प्रचार शुरू कर रहल बानी। तो लोगन के भाव बहुत अच्छा बाटे और विपक्ष अपन परिचय दे देले बाटे। विपक्ष में इंडिया अलायंस अपन जो परिचय देले बा, हम समझते हैं कि पूरा देश सन्न है। कांग्रेस का ये कहना कि हम सभी देशवासियों के प्रॉपर्टी की समीक्षा करेंगे, उनके सोने चांदी की समीक्षा करेंगे और हम बाकी अल्पसंख्यक में और ख़ास तौर से उनका अल्पसंख्यक मतलब कोई बुरा न माने मुस्लिम्स में, उसको हम बराबर बराबर बांट देंगे और बैंक को इस बैंक के श्योर करेगा कि वो ऐसा कर रहा है। मैं समझता हूँ इसके बाद अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रह गई है कि ये लोग देश को कैसे बांटने में लगे। तेजस्वी यादव कह रहा है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहा है आप लोग 400 पार का नारा देने लगे, वो सुपर फ्लॉप बता रहा है। देखिए, अब जिनका सुपड़ा बार बार साफ होते रहता है तो वो सुपड़ा साफ होने के महारथी बन चुके हैं। अब वो दूसरे का सुपड़ा देखने की जगह अपना सुपड़ा देखें। मैं समझता हूँ तेजस्वी बाबू को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि क्यों उनको इतने मिलन के बाद भी बड़े बड़े झटके लगे हैं। अब बिहार की जनता तेजस्वी बाबू की उनके पार्टी की सोच को पहचान चुके हैं, कोई चांस नहीं है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार, हमें लगता है कि वो 400 प्लस जो मांगा है वो 418 प्लस भी हो सकता है, ऑल टाइम रिकॉर्ड हो सकता है। भाई बेगूसराय ने 4 लाख से हरा के भेजा था, अब दिल्ली वाले मुझे लगता है 5 लाख से ज़्यादा से हरा के भेजेंगे, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग को देश का कोई व्यक्ति स्वीकार करने वाला नहीं। देखिए, ये दोनों जो शब्द है ना, कि किसी ने मानसिक संतुलन कहा, रोहिणी आचार्य का बयान देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, इंडिया अलायंस के सनातन को नष्ट करने की भाषा देखिए, तो कुल मिला के समझ में आ जाएगा कि मानसिक संतुलन घमंडिया गठबंधन का खो चुका है। और जब कोई एकदम रसातल में जाए लागेला तो ऐसा ही कुल भाषा निकलेला। पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, कारा का निर्दलीय है, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी है, क्या कहेंगे?
क्या कितनी चुनौती होगी? नहीं, हम पवन बाबू से बोला, अभी समझावता नहीं, हम उनसे बात करब कि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमें ऐसे राष्ट्र के विकास में अपन सहयोग दें। उनका के तो हमनी के आसनसोल से टिकट डेली जा, ओजिंगा से खुदे पवन नहीं कह लें, बाकी भविष्य में उनका ध्यान रखल जी। लेकिन हम आपसे क्या कहें, हम पवन से बात करे वाला लोगों से क्या अपील करेंगे सर? लोगों से क्या अपील करेंगे? पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या पवन? ना ना, ऐसा नहीं। पवन पवन बहुत अच्छा लड़का है, हमारा छोट भाई है, ओकरा से हम अभी बतियाई, ज्यादा कुछ नहीं कहो, हम कोशिश करते नहीं कि बात करके ओकरा के समझा दी। और भी जे भाई लोग बिहार में कहीं अपने जे राष्ट्रवादी बाटे लेकिन अपने रास्ता से थोड़ा अलग चल रहा बा, हम सबका से संपर्क में बानी और बहुत अच्छा रिजल्ट दे आप लोग। लोगों से क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? सबसे प्रार्थना है इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के विकसित भारत के लिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितना ताप हो, भारतीय जनता पार्टी को जिता करके मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाए। गांधी ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी मां ने जो है मंगलसूत्र तक दे दिया, पीएम ने क्या किया? हाँ, पूरा देश के मंगलसूत्र छीन लो, पूरे देश के। भाई हम क्या कहें, देखिए उन्होंने खुद लिखा है कि हम सारे गहना गुड़िया जो भी होगा उसको समीक्षा करके और जिनके ज्यादा बच्चे होंगे उनमें बांट देंगे। तो इसका मतलब मंगलसूत्र भी छीन लोगे? तो मंगलसूत्र छीनने वालों, तुम तो अपने परिवार के ही मंगलसूत्र की बात करते रहे हो, यहाँ पूरे देश के मंगलसूत्र को छीनने की बात किए हो। और ये देश का गरीब से लेके और हर व्यक्ति जवाब देगा, पूरे घमंडिया गठबंधन। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।